ये पहला प्रदेश हिंदी भाषित है और सब कहते हैं, अखबारों ने भी लिखा कि दक्षिण में तो ठीक है चल जाएगी यात्रा, पर जब हिंदी भाषी प्रदेश में आएंगे ये ठिकाने लग जाएंगे। पहला प्रदेश था जो हिंदी भाषी है, पहला प्रदेश था जो 18 साल से बीजेपी के कब्जे में है, और जो हुआ मैं कहता हूं पूरी मध्य प्रदेश की जनता और आप सब उसमें इंक्लूडेड गवाह है। ये मैंने शुरू में कहा था, मुझे तो ताज्जुब हुआ, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। और ये आदेश से ये भीड़ नहीं जमा हुई, वो उस रीवा से चल के 750 किलोमीटर 200 लोग आने, मैंने तो उनको नहीं कहा था आने, सिंगरौली से कोई सीधी से आ रहा है, वो अपने आप चलते हुए आए। और मैं तो परेशान हो गया क्योंकि कहते हैं 750 किलोमीटर से हम आए हैं, हमारी मुलाकात तो करा दे। हमने टाइम फिक्स किया हुआ था मुलाकात का, फोटो वोटो इसका, पर वो सब रह गया क्योंकि हजारों की संख्या में ये दूर दूर से जो आ रहे हैं इनको हमने आदेश नहीं किया था। हमने कहा था आप अपने जिले में ये भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, ये खुद चल के आ गए। तो ये जो उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल से राहुल गांधी जी की छवि, उनकी इमेज पर जो हमला किया सोशल मीडिया पर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया। असली राहुल गांधी जो जिनसे वो डरते थे इसलिए उन्होंने शुरू किया था, अगर राहुल गांधी जैसे घबराते नहीं 12 साल पहले ये मुहिम ये शुरू नहीं करते राहुल गांधी जी के खिलाफ। पर अब ये सब असली राहुल गांधी, असली राहुल गांधी अब जनता के सामने है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।